Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu everyone. I hope आप सब लोग ठीक होंगे. So welcome back to my another video, another topic and another day. So yes, आज हम एक बहुत important चीज़ पे बात करने वाले हैं. काफ़ी serious topic है but still इसमें भी घबराना नहीं है क्योंकि अल्लाह जिन लोगों के साथ होता है उनके साथ कभी गलत नहीं होता है. मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज हम जिस topic पे बात करेंगे वो है black magic, यानी कि काला जादू. So आज भी कुछ लोग हैं जो इन चीज़ों पर यकीन रखते हैं, ये चीज़ें करते हैं, कहीं इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है कि ये करना कितना बड़ा गुनाह है बल्कि हराम है. और अल्लाह ताला ने कुरान में इनके करने वालों पर, यानी कि जो ये लोग चीज़ें करते हैं, इनके लिए क्या फरमाया है, खुद की इनकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा ख़राब और बर्बाद हो जाती है, कैसे हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, अपनी हिफाजत कर सकते हैं, हर एक चीज़ इंशाल्लाह हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो ब्लैक मैजिक, यानी कि अरबिक में इसे कहते हैं सिहर. सो कुरान और हदीस में इसका वाकई पूरी तरह से खुला जिक्र है कि ये जो चीज़ है ये रियल है, ये होती है. तो अल्लाह सुबहान व तआला ने कुरान में ये फरमाया है सूरह बकरा आयत नंबर 102 में कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो ये करती थी, हालांकि उन लोगों ने शैतान को फॉलो किया क्योंकि शैतान उनसे ये काम, यानी कि कुफ्र कहा है इसको सीधा सीधा आयतों में, कि शैतान कुफ्र किया करता था लोगों को जादू सिखा कर, तो लोग वही चीज़ फॉलो करते थे शैतान को फॉलो करके. लेकिन ये भी बताया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ये जो गुनाह है, ये जो कुफ्र है, ये नहीं किया करते थे. हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाती है कि ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हमारे नबी पर भी कुछ लोगों ने जादू किया था और उन पर असर हुआ था. तो जब हमारे नबी पर हो सकता है तो किसी पर भी हो सकता है. हमारे हम तो इतना अमालों के, इतने जिक्र के, अल्लाह के कलाम के पक्के नहीं है, लेकिन देखें अल्लाह के कलाम में भी बहुत ताकत होती है. सुभान ताला ने उनके अकीदे से, उनके यकीन से उनको भी शिफा अता करी, उनकी हिफाजत करी. उसी तरह से अगर हमारा अकीदा, यकीन अल्लाह ताला पर, भरोसा जो है वो मजबूत होगा तो अल्लाह हमें भी शिफा अता करेगा, क्योंकि अल्लाह से बड़ी जो ताकत है अल्लाह पर भरोसे की और अल्लाह के कलाम में, वो किसी भी चीज़ में नहीं, किसी भी बुरी नीयत में नहीं. लेकिन अल्लाह सुबहान व तआला ने हमें कुछ पढ़ने के लिए ऐसी चीज़ें बताई हैं जिससे हमारी हिफाजत हो सकती है. जैसे कि सबसे पहले कोशिश करें कि आप सुबह शाम ये जिक्र की एक आदत बना लें, जिसमें आप सूरह फलक, सूरह नास और सूरह इखलास ज़रूर पढ़ेंगे. सुबह शाम के अजगार में शामिल करें. आप आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे. आप सूरह बकरा की ये जो सूरह है इसकी आखिरी दो आयतें ये ज़रूर पढ़ेंगे. ये हर तरह के शैतानी चीज़ों से, शैतानों से, बुरी चीज़ों से आपकी हिफाजत करेगी इंशाल्लाह. चांसेस उन लोगों पर होते हैं ये चीज़ें होने के जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, जो अल्लाह ताला का कलाम नहीं पढ़ते हैं, जो कुरान नहीं पढ़ते हैं, जिनका रिश्ता, जिनका कनेक्शन अल्लाह ताला से बिल्कुल होता ही नहीं है, यानी कि डिसबिलीवर्स. ईमान वाले ज़्यादातर इन चीज़ों से महफूज रहते हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है. अब हम ब्लैक मैजिक के जो सिम्टम्स हैं वो डिस्कस करेंगे, यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप पे काला जादू हुआ हुआ है, या ऐसे कुछ असरात, ऐसी चीज़ें हैं कि आपको सर में दर्द होगा, डिप्रेशन होगा, आप अपने घर में नोटिस करेंगे कि बिला वजह की लड़ाइयाँ हैं और आपकी सेहत में बिला वजह आप लेज़ी फील कर रहे हैं, डिजीनेस है, एक होता है ना, हम लो फील करने लगते हैं बहुत ज़्यादा. कभी कभी हम यूँ भी करते हैं तो हमें वैसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं. कुछ लोग वहमी भी होते हैं तो हमें इतना वहमी नहीं बन जाना है. कभी कभी किसी को बहुत सिवियर प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ज़्यादा माइग्रेन होता है, सर में हर वक्त दर्द रहता है और गुस्से में होता है और हर चीज़, बल्कि कुछ लोगों का मकसद भी यही होता है काला जादू और ये सब चीज़ें करवाने का, कि वो आपको बहुत नुकसान पहुंचा सके गैबी कुव्वतें, जैसे कि मैंने कहा, इख्तियार करके, यानी कि गैबी कुव्वतों का इस्तेमाल करके वो आपके घरों में प्रॉब्लम, रिश्ता तोड़वा सके. ज़्यादातर ये शादी के मसलों में भी यूज़ की जाती है कि लोगों को अपना डिसीजन किसी का चेंज कराना होता है तो वो ये यूज़ करते हैं. अल्लाह हम सब की हिफाजत करे. देखें लेकिन फिर भी एक चीज़ अल्लाह हमें याद दिलाता है कि जिसने भी ये चीज़ किया, काला जादू या किसी को नुकसान पहुंचाने की नियत करी, अगर वो फिर भी इन सब चीज़ों को छोड़ दे और एक सिंसियर रिपेंटेंस, यानी कि तौबा कर ले, तो अल्लाह उसको भी माफ़ कर देंगे. लेकिन वो सच्ची तौबा करे और इन कामों को छोड़ दे. ये सूरह अज़ुमर में अल्लाह सुबहान व तआला फरमाते हैं, आप बड़ा से बड़ा गुनाह क्यों ना कर ले, लेकिन तौबा कर लेंगे सच्चे दिल से, वो चीज़ छोड़ देंगे, तो अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, रब्बुल आलमीन है, बहुत माफ करने वाला.
वन मोर थिंग गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को एंड करने से पहले मेरी एक एडवाइस है, बल्कि हमारे दीन ने हमें ये एडवाइस दी, अल्लाह सुभान व तआला ने हमें खुद की प्रोटेक्शन के लिए ये चीज़ें करने को हमें कहा है कि हम ये सुबह शाम के असगार जो मैंने बताए ये तो पढ़ नहीं पढ़ने हैं, लेकिन इसके साथ आपको कुछ चीज़ों का, यानी कि वो कहते हैं ना कि प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर, यानी कि अगर हम पहले से कुछ चीज़ों से ख्याल रखें अपने खुद का तो हम काफ़ी इलाज से भी बच सकते हैं। जैसे कि आप कोशिश करें कि आप रात में अकेला बाहर ना निकले, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक, बट काफ़ी बुरे असरात होते हैं, शैतानी चीज़ें होती हैं जिस जो हम नहीं देख पाते हैं, शर की चीज़ें। तो अल्लाह सुभान व तआला हम सबकी हिफाजत करें, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें कुछ चीज़ें करने को कही हैं, हम बाहर अकेला ना जाएं, स्पेशली जो लेडीज़ हैं वो खुशबू लगा के ना जाएं, बाल खोल के ना जाएं, इन चीज़ों से बचें। और लोग वॉशरूम में बहुत देर तक बैठते हैं, जो कि बहुत गलत बात है, अक्सर जिन की बुरे शैतानों की फेवरेट जगह होती है, तो जितना जल्दी हो सके आप वॉशरूम से फ्री हुआ करें। और जब आप मिरर के सामने कपड़े बदलते हैं, कोई भी हो लेडीज़ या जेंट्स, तो वो उस चीज़ से परहेज़ करें, क्योंकि बुरे शैतान इन चीज़ों से अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ पड़ सकते हैं, आपके पीछे पड़ सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अपने घर में जो बर्तन होते हैं वो बिना धुले सुबह के लिए रख देते हैं, ये चीज़ काफ़ी कॉमन है, लेकिन ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अदिसी हमारा जो ईमान है, हमारा दीन है, वो कहता है कि पाकी आधा ईमान है, तो हम खुद भी पाक रहें, अपने घर को भी पाक रखें, क्योंकि जहाँ पाकी होती है वहाँ पर हर तरह की बुराई से हिफाजत होती है। तो कोशिश करा करें आप इन सब चीज़ों से बचें, और दुआ करा करें, तवक्कुल अपना स्ट्रांग रखें, अपने ईमान को मजबूत रखें, अल्लाह ताला का कलाम पढ़ते रहें, नमाज की स्पेशली जो आयतुल कुर्सी है वो तो पढ़ते रहा करें जब भी आप घर से बाहर निकले, क्योंकि इसमें आपकी हिफाजत के लिए इतनी ताकत है कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितने सारे फरिश्ते आपकी एक फील्ड बना के आपकी हिफाजत करते हैं। सो येस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। काफ़ी बेसिक नॉलेज मैंने शेयर करने की कोशिश करी है इन चीज़ों के बारे में। इंशाल्लाह अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, ये लोगों के लिए बेनिफिशियल होती है, तो आई विल शेयर मोर वीडियोज़ लाइक दिस, एंड मैं खुद भी इन चीज़ों के बारे में और रिसर्च करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो येस, चल देन, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह खैर, और दुआ में याद रखिएगा।